गुज़िश्ता कुछ दिनों कबल पुराने शहर हैदराबाद में करीब 100 साल पुरानी इमारत को रोड वाइडनिंग के नाम पर मुनहदिम कर दिया गया था। ये इमारत नवाब महबूब अली खान के दौर में तामीर करदा थी, जिसको मीरालम तालाब के करीब मीरालम फिल्टर के बेड के तौर पर तामीर की गई थी। ये ग्रेनेड से तैयार करदा थी और इतनी हदीम होने के बावजूद भी मजबूत इमारत थी, लेकिन बल्दिया की जानिब से इसे जारिया साल जुलाई के पहले हफ्ते में जमीन बोस कर दिया गया। इसके तहत काफी जमीन मौजूद है जो तालाब तक आती है, लेकिन लैंड ग्रैबर्स की जानिब से इस जमीन पर कब्जा करने की कोशिशें तेज हो गई है। सड़क के तोसी में जितनी जमीन आ रही है उससे हटके बाकी की जमीन पर नाजायज कब्जा होने का खतरा मंडला रहा है। पीछे तालाब के पास से इस जमीन पर लैंड माफिया की जानिब मट्टी डालकर पानी जाने के रास्ते को बंद किया जा रहा है। आज कांग्रेस लीडर बहादुरपुरा मोहम्मद सिराज खान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस जमीन को लैंड ग्रैबर्स की नजरों से महफूज करते हुए इस इमारत पर गरीब लोगों के लिए 2 BHK फ्लैट तामीर करें या फिर कोई और नेक काम के लिए इसे इस्तेमाल में लें, नहीं तो यहाँ जमीन बचाना मुश्किल हो जाएगा। एक और मुकामी शख्स ने बताया कि यहाँ मीरालम तालाब का FTL भी मौजूद था, अब इसे बंद करने की वजह से पानी जू में दाखिल हो रहा है, इसलिए जब कभी भी बारिश हो रही है पानी जू में दाखिल हो रहा है, इस जानिब भी तवज्जो देने की जरूरत है। पेश है इस खुसूस में, कदीम मीरालम फिल्टर के मुनहदिम होने के बाद जमीन के कुछ झलकियाँ और मुकामी अफराद के ख्याल। ब्यूरो रिपोर्ट siyasat.com। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद सिराज खान, कांग्रेस लीडर बहादुरपुरा। सिराज साहब, ये कौन सा एरिया है? ये जो सो मीरालम फिल्टर बोलते हैं इसको, ये मीरालम फिल्टर है जिसको रोड वेंडिंग किया गया है। आप देख रहे हैं बाजब्ता ये पानी मीरालम तालाब से आता है, CRPF की लैंड है। 1965 से ये है, 1965 में CRPF के हवाले किया गया था। उसके बाद अब ये यहाँ से ब्रिज जा रहा, ब्रिज जाने के बाद जो है सो ये रोड बेंडिंग हुई। इसके पीछे लैंड माफिया जो है सो कचरा उचरा ला के डाल के उसको हल्लोल्लू बंद करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग देखे हैं कि यहाँ पर भी लैंड ग्राबरी, होल सिटी में लैंड ग्राबरी रूज पे है। तो हम हुकूमत से ये मुताबला कर रहा हूँ, मैं एज ए कांग्रेस लीडर होने के नाते, अगर हुकूमत चाहे तो यहाँ पर दे के, यहाँ पर तवज्जो दे के, यहाँ पर काम होने के बाद कुछ गरीब जो जगह बच रही है, कुछ गरीबों के लिए 2 बेडरूम हाल 2 BHP के जो चल रही स्कीम वो बना के दे, वरना जवानों के लिए बना के दो, वरना कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बना के दो। ये ऑलरेडी ऐसी ज़मीना जहाँ जहाँ खुले देखे जा रहे हैं, तो ज़मीनों को जो है सो लाइन ग्राबर कब्जा करके बेच रहे हैं। लाइन ग्राबरी होल सिटी में इतनी रूज पे है, ऑलरेडी इसको रोकना है तो हुकूमत का काम है। सेंटर हुकूमत को भी बोल रहा हूँ मैं, स्टेट हुकूमत को भी बोल रहा हूँ मैं, ये कौन रोकेगा? हाँ, जहाँ पर 1000 गज ज़मीन खाली है, 500 गज ज़मीन खाली है, गवर्नमेंट का है बोल के मालूम हुआ या वब गोट की है बोल के मालूम हुआ, तो वो ज़मीन कब्जा हो जाती, तो हुकूमत इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती? मेरी ऑलरेडी हुकूमत KTR साहब, KCR साहब, हम वार्निंग दे रहे कि ये लैंड ग्राबरी को रोकना आपका काम है। अगर ये लैंड ग्राबरी नहीं रोकेंगे तो हुकूमत का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इंशा जहांगीर जहांगीर साहब, आप कितने साल से यहाँ पर कपड़े धोते हैं? हमारे अम्मा के बाबा के पीरियड से, पहले तालाब में दो रहते थे, अब इधर गवर्नमेंट इधर आ जाओ बोल के इधर बना के दी, गवर्नमेंट से कार्रवाई करके 2 बीघा सैंक्शन हुआ। कितने का सैंक्शन हुआ था आपको? हमारे को 1 एकड़ जमीन सैंक्शन हुआ। तो 1 एकड़ है आप? नहीं है। अब कितनी बची आपको? 1500 गज बची। बाकी की जमीन कहाँ गई? कहाँ गई कि अल्लाह जाने, अल्लाह जाने। हांगी साहब, जैसा आप जो पीछे जो कमान दिख रही है, ये कितने साल पुराना होगा और यहाँ से क्या होता था?
ये तो निज़ाम सरकार बनाया सो बोल के सुनाम है, तो ये ज़माने से ही चाहिए नाला, हम फायदा भी नहीं हुए जब से है ये नाला। हाँ, ये नाले में पानी कौन सा पानी जाता था यहाँ? ये तालाब भर गए ना, तालाब का पानी इधर से जाके ताड़बंद पे तालाब भर के जूमे से निकल जाता था पानी। कितने साल पहले देखे थे आप? मैं 35 साल पहले देखा। तो अभी क्या हो रहा है नाले? अभी तो पानी उधर का मोरियों का पानी मिला दिए इसमें, मोरियों का पानी मिला के वो उल्टा उधर जाने का पानी तालाब में जा रहा है। ये मोरियों का डेनिस लाइन का पूरा मिल गया, उधर जैसे जाता था अभी इधर जा रहा, तालाब में जा रहा, वो तालाब भर के बाहर जाने का पानी उधर से आके इधर जा रहा। ये तालाब का FTL था? हाँ, तालाब का मेन नदी यही छे, यानी तालाब फुल हो गया, यहाँ से जा रहा था मेन। हाँ, और क्या क्या नुकसान हो रहे हैं यहाँ पर और क्या तकलीफ हो रहा है? ये नाला बंद रहने से ये तालाब भर के पानी पूरा जू के अंदर दीवार पे से जू के अंदर गिर रहा हो। ये नाला साफ करना जरूरी है, ये डेनिसों की मोरियाँ आके पूरा बदबू मच्छर वो ये पूरे यहाँ जमा हो जा रहे हैं। तालाब का FTL खोले ना, पूरा तालाब का पानी इधर से जाएगा। ये इधर से किधर जाता है? इधर से जाके जूमे जू का दीवार करने से लाइन है इसका। अब ये कंटिन्यू नाला तालाब से नहीं है? कंटिन्यू नहीं है, इधर का रिवर्स आ जा रहा, तालाब में आ रहा नाला मोरियों का पानी, अब ये डायरेक्ट तालाब को जा रहा है। तालाब को जा रहा है, तालाब का पानी जो उधर से वो बंद कर दिए मेन, बंद करके यहाँ का पानी यहीं जम जा रहा है, जम के यहाँ बदबू मच्छर पूरे हो जा रहे, जमा हो जा रहा। आपको तकलीफ हो रही इससे? हाँ, तकलीफ हो रही, बो हो रही, मच्छर शाम होते नहीं ठहर सकते। सुने सुबह से कितने घंटे काम करते हम लोग? कभी रात के 12 बजे भी नहीं, अर्जेंट देने का कपड़ा है तो 12 बजे तक भी करते रात में।